हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपलीफाइड स्टडी ऑफिशियल तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम कॉम फिफ्थ सेम की मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टू थाउजेंड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं हम सारा इस वीडियो में एनालाइज करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स दाद द वीडियो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इसका ऑब्जेक्टिव सारा बताना है और गाइस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फुल प्ले लिस्ट का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे ठीक है फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है आपको नेक्स्ट है डिफाइन सोशल अकाउंटिंग वट आर इज ऑब्जेक्टिव सोशल अकाउंटिंग बताना क्या होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। ये आपको फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट का इस थर्ड क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल है जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है ठीक है यूजिंग आपको लीफो एंड फीफो मेथड का यूज़ करना है नेक्स्ट है गाइस फोर्थ क्वेश्चन भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसमें आपको करंट रेशियो लिक्विड रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है ठीक है एंड लास्ट का इस आपको इसमें आपको क्या करना है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आपको निकालना है नेक्स्ट गई सेक्शन बी सेक्शन बी हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले गाइज आपको सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है किसकी एम लिमिटेड एंड एस लिमिटेड की तो गाइज इस क्वेश्चन में आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या क्या है फाइंड आउट करनी है कॉमन शीट बैलेंस शीट आपको इस क्वेश्चन में बनानी है फिफ्टी मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिस्कस द नेचर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है क्या क्या उसका नेचर स्कोप एंड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपको इसमें बताना है नेक्स्ट है वट यू मीन बाय फाइनेंशियल एनालिसिस डिस्कस वेरियस टूल यूज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड सुटेबल एग्जाम्पल फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है क्या क्या टूल्स हैं सारा एग्जाम्पल के साथ आपको इस क्वेश्चन में बताना है ठीक है नेक्स्ट है इस आपको ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको रेशो एनालिसिस के चैप्टर में से आया हुआ है जिसमें आपको करंट रेशियो लिक्विड रेशो सारी गिवन है ठीक है सेक्शन सी है आपका सेक्शन सी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल के लिए डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग डिस्कस वेरियस स्टेप्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अनएक्सप्लेन इट्स यूटिलिटी टू द मैनेजमेंट रिस्पॉसिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है वो बताना है और क्या क्या स्टेप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है उसे आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स ठीक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है उसके क्या क्या मैथड्स हैं मैथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले साल में भी और भी काफ़ी एग्जाम्स में ये जो ये क्वेश्चन है ये आया हुआ है नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आपका सेक्शन सी का जिसमें है आपको एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें आपको uh, वर्किंग कैपिटल चेंज इन वर्किंग कैपिटल बताना है और सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आपको बताना है ठीक है ये आपका फंड फ्लो चैप्टर में से क्वेश्चन आया हुआ है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एग्जाम का जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आपको लाइबिलिटीज एसेट सारे गिवन है एंड एडिशनल इफॉर्मेशन भी आपको गिवन है इसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बनानी है तो बेस ये था आपका क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दो का एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इनकम टैक्स की फुल प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो so, आज की वीडियो में इतना ही होप्स से वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना सो मीट यू सोन इन द नेक्स वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को आई सेंड डोट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस